पता है मुझे क्या बोल रहे, तू बना इसे मत बना, इसके साथ ऐसे होता, मतलब मेरे साथ। एक टमाटर लेना बेटा, सासी जी को यहाँ पे जगह पसंद आ गई है, यहीं पर आ जाते हैं बार बार। जय श्री राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। मैं सावित्री माहौरी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माहौरी के ब्लॉग्स में। अभी बजे सुबह के 6, तो यहाँ पे चाय बन रही है मेरी सासू जी के लिए। तो चाय पत्ती रख दी है, चीनी रखती हूँ और चाय दे के सासू जी को फिर करूँगी अपना और काम। तो चाय जो है सासू जी अकेले पीते हैं, यानी कि मैं, मेरा बेटा, हम चाय नहीं पीते, दोनों माँ बेटे। तो सासू जी बेटे को बोलते हैं चाय पीनी चाहिए, कम से कम 2 बार तो चाय जरूर पियो सुबह और शाम को। तो मैं बोलती हूँ भाई क्यों पीनी, मतलब बेटे को ही बोलते हैं, यानी कि अपने पोते को बोलते हैं। तो मैं बोलती हूँ भाई चाय क्यों पीनी चाहिए, चाय पीना अच्छी बात तो नहीं है ना। तो मुझे अपने अम्मा की याद आती है जब भी चाय बनाती हूँ, या फिर कोई बोलता चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, तो मेरी अम्मा बोलती थी कि अंग्रेज लोग आए हमें बीमारी दे के चले गए चाय पीने की। और पहले कहाँ पीते थे चाय, पहले तो कोई भी नहीं पीता था। तो मेरी अम्मा क्या करती थी, इतने बड़े गिलास में भर के एकदम कड़क चाय पीती थी, एकदम कड़क। और हमें बोलती थी कि चाय नहीं पीनी, चाय पी के बीमारी हो जाती है, कलेजा जल जाता है, ऐसा करके बोलती थी। पर अच्छी बात है हमने नहीं पी चाय, अच्छा है, चाय पीना अच्छी बात नहीं है। इतना गरम गरम बिल्कुल फूक फूक के पीते हैं, बताओ यहाँ से तो नीचे सटक लिया और यहाँ अंदर जा रहा है, वो क्या कर रहा होगा अंदर। और फिर चाय पत्तियाँ जो हैं या ऑर्गेनिक हो, बिल्कुल एकदम प्योर हो, उसमें कोई मिलावट नहीं है, तब तो ठीक भी है भाई, चलो कोई बात नहीं, अदरक अदरक कूट के जो पीते हैं। वैसे काली चाय पीनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दूध वाली चाय जो है ना, वो उससे एसिडिटी होती होगी, और जिन्हें पेट का रोग है उनके लिए तो बिल्कुल ही ख़राब है चाय। तो आजकल क्या हो गया, कलर अच्छा आने के लिए चाय पत्ती में तरह तरह के केमिकल्स डाल रहे हैं, जिससे कि चाय का कलर जो है एकदम इतना अच्छा आता है कि बाप रे। और मैं तो चाय देख के मेरे को अजीब सा होता है। तो हम चाय पीते ही नहीं, बचपन से ही चाय नहीं पी, हमारी अम्मा ने नहीं दी, फिर शादी करके कुछ साल मैंने चाय पी। अभी भी क्या होता है, कुछ दिन पी लेती हूँ, जैसे कुछ दिन छोड़ देती, मतलब कुछ दिन जैसे 2-4 साल छोड़ दिया, फिर कभी जुकाम काम हो गया तो ऐसे। पर ऐसा नहीं है कि चाय पीनी है, नहीं तो मेरा सर दर्द हो गया, मैं काम नहीं कर पाऊँगी, ऐसे बहुत से लोग बोलते, ऐसा मेरा नहीं होता। तो चाय मतलब नहीं पीती हूँ, अच्छी भी नहीं लगती है और पीती भी नहीं हूँ। चाय की जो स्मेल आती ना, ऐसे बनती है जो, उसी से मेरा अजीब सा हो जाता है, तो इसलिए चाय नहीं पीते। हाँ, और जो लोग ग्रीन टी पीते हैं, मेरे को तो वो भी अच्छी नहीं लगती। तरह तरह की ग्रीन टी आजकल आने लगी, अदरक वाली, तुलसी वाली, ये वाली, ऐसी तरह तरह की, तो मैं वो भी नहीं पीती हूँ। बच्चों ने रखी हुई है मेरे लिए, बीच वाला बेटा लाया था मेरा, कहाँ गया था ये याद नहीं आ रहा मेरे को, वहाँ से मेरे लिए एक फूल जैसे, फूल ही है वो, पर दिखा देती हूँ आप लोगों को चाय कैसी। तो मेरा बीच वाला बेटा मेरे लिए ये लाया था, ये वाली चाय, और इसका नाम तो मैं आप लोगों को नहीं बता रही। और ये फूल हैं एकदम, जैसे ना फूल होते हैं, मैं कह रही हूँ चाय कैसे बनती थी, ये भगवान है क्या, ये तो फूल थे, ये कैसे हो गया ऐसे। ये तो फूल थे, ये चाय ऐसे कैसे बन गई, मैं आज अपने बेटे से पूछूंगी। ये तो फूल थे, फूल मैं इसमें डालती थी और फूल को फिर छन्नी से छान के तब मैं चाय पीती थी, ये क्या हो गया। इस चाय को रखे हुए मतलब ये 2 या 3 साल हो गए, ये कैसी चाय होगी ऐसे, ये भगवान, ये तो वाइट कलर के फूल थे, ये चाय कैसे बन गई ऐसी। और ये मेरा बेटा लाया था, 3 साल या 4 साल हो गए चाय को लाए हुए, तो ये ऑर्गेनिक है, अच्छी है चाय, मतलब अब तो बेकार हो गई है, ऐसी होगी। मैं आज अपने बेटे से पूछूंगी कि ये चाय क्या हो गई ऐसी, क्योंकि ये फूल थे एकदम। मेरे को नींद नहीं आती थी ना 2-3 साल पहले, मतलब नींद का दिक्कत था, तो आज ये फेंकनी पड़ेगी, मेरे को ख़राब हो गई है। तो मेरे लिए लेके आया था, ये बहुत महंगी चाय है, ये 100 ग्राम फूल थे या कितने थे, ये 600 या 700 के हैं, इस पर लिखा होगा, मैं दिखा बताती हूँ आप लोगों को अगर मेरे को पढ़ने में आ जाए। ये 500 की चाय है, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, 499 रुपये की चाय है, और ये ख़राब हो गए हैं। तो ये चाय मैंने कुछ दिन पी, उसके बाद मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे को ना टेस्ट अच्छा नहीं लगता ग्रीन टी का भी, पर इस
ये जो चाय है इसमें खुशबू आ रही थी, अच्छी वाली खुशबू आ रही थी। हे भगवान, यहाँ रखी हुई थी, मैंने देखा ही नहीं, पर पीती नहीं पीती, लेकिन उस चाय का देखना क्या हाल हो गया, तो बिल्कुल पिस गया, पाउडर बन गया। पहले मैं अपने बेटे को दिखाऊंगी कि इस चाय का ऐसा क्यों हो गया, फिर उसके बाद गमले में डालूंगी। तो गमले में डाल के कुछ तो ये काम करेगी। तो चलो चाय बन गई, सासू जी को चाय देती हूँ। सासू जी सुन रहे होंगे अंदर से कि लोगों ने पता तो लग गया होगा वीडियो बना रही है करके। तो चाय तैयार हो गई है, यहाँ बन गई चाय, गैस पर रखी हुई है। इधर दिखाई दे रहा तो ये रही सासू जी की चाय। सासू जी चाय जो पीते ना लाइट पीते हैं एकदम, वो कड़क चाय नहीं चाहिए उनको, तो इसमें मैंने चाय पत्ती कम रखी है। ये है सासू जी की चाय गिलास भर के, तो साथ में एक कटोरी भी लेके जाते हैं, इसमें रख के पियेंगे क्योंकि गिलास ऊपर तक भर गया है, हाथ में जल जाए करके। देखिए आते हैं जी, सूजी को दिखाते हुए चाय पीते हुए। अभी बज रहे हैं 12, तो नाश्ता तो बहुत देर पहले हो चुका था, दिन का खाना बनाने की भी तैयारी हो चुकी है अब। तो आज बेटा बोल रहा है मैं बनाऊंगा पुलाव, तो मैंने कहा ठीक है अभी, मतलब अंदर से अच्छा तो लग रहा है, बना के देगा, पर यह है कि ना बार बार बुलाएगा, ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है, तो उतनी बार उसको वो चीज़ देनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, ऐसे तो बनाना आता है उसको, पर यह है कि तेल ज़्यादा ना डाल दे भाई, तेल ज़्यादा खाना अच्छी बात नहीं होती है, और मसाले वसाले भी ज़्यादा ना डाले, तो उसके साथ साथ मुझे देखना पड़ेगा। और सासू जी गए हैं ऊपर फिर से, तो मैं बोलने वाली थी उनको कि दवाई का टाइम हो गया, वो तब तक ऊपर पहुँच गए हैं, बुलाने जा रही हूँ। सासू जी को यहाँ पे जगह पसंद आ गई है, यहीं पर आ जाते हैं बार बार। हवा हम चाल है पक्की हुआ सही दे है बिहार है रे फरफराट तू का पर जाओ देखो इधर के लिए नहीं आम है ये इधर आम है आवाज ओ ये इधर से हवा आती है ना पश्चिम की साइड से, तो अंदर से हवा कम आती है, क्योंकि देखो झंडे कैसे फहरा रहे उधर लोगों के घरों में झंडे लगे ना बहुत ज़्यादा, फर 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 कर रहे हैं। दवाई 12 बज गया, मेरे को दवाई धरो तुम, माथा आ गया ये इधर ना हवा नहीं आएगी, देखो पार को तो हवा चल रहा है, इधर आम ना ऐसे घूम मरे तो हवा नहीं आने थोड़ा। तो यहाँ पे बेटा दिन का खाना बनाने की तैयारी में लग गया है, ये इसने प्याज कट कर दिया है, तो मैंने कहा बेटा एक ही प्याज काटना, तीन लोग हैं हो जाएगा हमारा, वो कह रहा नहीं दो प्याज काटूंगा, तो इसने दो प्याज छीले, एक प्याज निकल गया सड़ा हुआ अंदर से, तो काट रहा था तो कह रहा छी ये प्याज तो सड़ा हुआ है, अब मैं एक ही प्याज डालूंगा, अब दो छील लिया थे काट देता ठीक ही था, अब वो सड़ा निकल गया, वैसे भी नुकसान। कह रहा प्याज थोड़ी है इतना महंगा टमाटर की तरह, मैंने कहा है तो सही महंगा ना, तो अब देखती हूँ कैसी बनाते हैं पुलाव, ये मटर पुलाव बनाना है इसको। और सासू जी की आँख में दवाई डाल दिए, वो वहाँ पर लेट रखे, वो भी कुछ बोल रहे शायद, पता है मुझे क्या बोल रहे, तू बना इसे मत बनाना, इसके साथ ऐसे ही होता, मतलब मेरे साथ, अब ये सीखेगा बनाएगा तभी तो पता चलेगा कि कैसा बना रहे। चल बेटा हो जा शुरू। तो अभी वीडियो बनाने के लिए पंखा बंद कर रखा है, देखो पसीने से इसका हाल ख़राब हो गया, मेरे को भी आ रहा पर इतना पसीना नहीं है अभी। आज एक टमाटर लेना बेटा, ठीक है, फिर टमाटर के बाद भी पूछने लग गया, और मैं होती मैं तो नहीं रखती भाई, टमाटर इतने महंगे हो रहे बहुत ज़्यादा। तो अभी तो हम जब लाए थे पिछले ट्यूसडे के गई थी मैं, तब थे 200 रुपये किलो, तो अब एक पाव लेके आई, मैंने कहा घर में बाई चांस कभी कोई आ जाता है तो भाई क्या करें, मेहमानों के लिए ही ली जाती है, अच्छी चीज़ अपने लिए कहाँ सोचा जाता है, पर कोई आया भी नहीं, तो एक टमाटर खाया उसमें से चार भी बचे हुए, तो मैं बोली भैया खा लेते हैं, उनको भी कहीं सड़ जाएंगे ना, हम खाएंगे ना मेहमान आ रहे हैं, इससे अच्छा हम ही खा लेते हैं, तो एक टमाटर डाल लेना बेटा तू, ठीक है। तो बेटा तैयारी कर रहा है, और सासू जी की आँख में दवाई डाल दी है, इसके लिए मैं फ़ैन चला देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस हो रही है उमस। तो वीडियो को भी मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा, कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।